शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अंजना, कहीं तुम फिर से परिहास तो नहीं कर रही? नहीं काका, यही सच है। और अब वो समय आ चुका है जब मुझे धरती लोग छोड़कर कुबेर लोग जाना होगा। भाई भाली, मैं ये प्रण लेता हूँ कि मेरे रहते इस भवन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यदि मेरी अनुमति के बिना कोई इसमें प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा तो उसे मेरे साथ युद्ध करके मुझे हराना होगा। किंतु बाली का यह हट विधि के विधान को कैसे बदल सकता है? देवराज, विधि के विधान को कौन समझ सका है? बाली असीमित शक्तियों का स्वामी है। ऐसे में क्या देव और क्या दानव कोई उसका सामना नहीं कर सकता। ओम नमो काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाली भैरव रक्षा करो। आन बांधो चलते फिरते अवसान बांधो। नौ नाड़ी 72 कोठा बांधो। ओम नमो भैरवाय, ओम नमो भैरवाय। ओम नमो भैरवाय। जामवंत जी, जामवंत जी, आज हमारे हृदय का टुकड़ा, हमारी लाडली पुत्री हमसे दूर होने जा रही है। सदा के लिए संसार से विदा हो रही है। कैसे देख पाएंगे हम ये सब, कैसे देख पाएंगे? ये सत्य है, इस संसार में माता पिता के सामने उसके संतान की मृत्यु संसार का सबसे बड़ा दुख होता है।
संभालिए। नहीं जामन जी, नहीं देखा जाएगा हमसे ये सब, नहीं देखा जाएगा। ईश्वर हमारे प्राण ले ले विधाता, किंतु हमारी पुत्री के प्राण छोड़ दे, अंजना के प्राण छोड़ दे। कुंजा जी ये सत्य है, ये समय कठिन है, किंतु ये ईश्वर द्वारा रचित विधि के विधान में हम विघ्न कैसे डाल सकते हैं। आप धैर्य रखिए। मैं पिछले जन्म में कुबेर लोक की अप्सरा थी, और मेरा नाम था पुंजिक स्थल। वो समय आ चुका है जब मुझे धरती लोग छोड़कर कुबेर लोग जाने होगा, कुबेर लोग जाने होगा। जानती हूँ स्वामी आपको कितना दुख हो रहा है, और ये भी जानती हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, किंतु आप मेरे बारे में भी तो सोचिए कि मुझे कितना दुख हो रहा होगा। ऐसे छोड़ सकती हूँ मैं इस परिवार को, आपको? आप सब तो साथ में रहेंगे, किंतु मैं तो सदा के लिए अकेली हो जाऊंगी, फिर कभी आपके या मारुति के पास नहीं आ सकूंगी, फिर कभी इस परिवार को नहीं देख सकूंगी। अब मेरे इस दुख को तो समझिए। स्वामी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप सब प्रसन्न रहें। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी मृत्यु का उत्सव मनाए, खुशियां मनाए, एक पति अपनी पत्नी की मृत्यु पर प्रसन्न हो। वाह! नहीं स्वामी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। यदि आप दुखी रहेंगी तो मैं भी दुखी रहूंगी। मैं आपकी पत्नी बनी, इस परिवार का हिस्सा बनी, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ। भाग्यशाली? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि एक पत्नी जो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी, वो आज हमें इस तरह छोड़कर चली जाएगी। दादा, मैं आपके साथ और इस परिवार के साथ इतना ही समय लिखा, इस बात का मुझे भी दुख है। फिर से दोबारा इस धरती पर मेरा जन्म हुआ तो मैं यही काम न करूंगी कि मैं आप ही की पत्नी बनूं। मुझे फिर से यही परिवार मिले। अगला जन्म किसने देखा है? मैं तो ये जन्म देख रहा हूं कि तुम मेरे साथ हो, और मैं तुम्हें इस जन्म से नहीं जाने दूंगा। भाग्य के हाथों विवश हूं स्वामी। ऐसा कैसा भाग्य? मेरी पत्नी जिसके साथ साथ फेरे लिए, जिसे वचन दी रक्षा का, जिसको सारी खुशियां देने की शपथ ली,
आज इसको अपने सामने से कैसे जाने दे सकता। नहीं, कभी नहीं। जब मैंने तुमसे विवाह किया था तो किसी देवता ने यह नहीं कहा था कि तुम मुझे आधे रास्ते छोड़कर चली जाओगी। मेरे साथ छल हुआ है। मैं तुम्हें अपने पत्नी धर्म से कभी मुक्त नहीं करूंगा। कभी मुक्त नहीं करूंगा। कभी अलग नहीं करूंगा। कभी नहीं। पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे सारे उत्तरदायित्व निभाए, मैंने जो मांगा आपने मुझे दिया। आज अंतिम बार मैं आपसे आज्ञा मांगने आई हूं। मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए पिताजी। किस लिए विदा मांग रही हो तुम पुत्री? अपने उस पिता से जिसने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, या फिर अपने उस पिता से जिसने तेरी हर इच्छा को अपनी पलकों में बिठाया है पुत्री, जीवन पर्यंत? आज उस पिता से तुम विदा मांग रही हो पुत्री। इतनी बड़ी हो गई है मेरी अंजना पुत्री, तूने जब जो कुछ चाहा है मैंने तुझे दिया है। आज प्रथम बार मैं हाथ जोड़कर तुमसे कुछ मांग रहा हूं पुत्री। मुझे अपनी मृत्यु दे दे, तेरे स्थान पर मेरा जीवन समाप्त हो जाए। हे विधाता, हे ईश्वर, मुझे मृत्यु दे दे, मुझे मृत्यु दे दे। किंतु मेरी अंजना को उसका जीवन लौटा दे, का जीवन लौटा दे ईश्वर, लौटा दे। ऐसा मत कहिए पिताजी, मेरी मृत्यु आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। नहीं नहीं पुत्री, कैसे कह दे तुझसे कि हम सबको रोता बिलखता छोड़कर तू इस संसार से सदा के लिए विदा हो जा? ये हमसे नहीं हो सकेगा पुत्री। एक बार तुझे विदा किया था, याद है? तब भी आंखों में आंसू थे, पर तब हमने हिम्मत रखी थी। और आज तुझे सदा के लिए संसार से विदा करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कुबेर देव, अब कुछ ही पल बचे हैं जब हमारे दूत अंजना के प्राणों को हरकर कुबेर लोक लाएंगे, और जो पुंजक स्थला का शरीर कुबेर लोक में है उसमें डाल देंगे। किंतु यमदेव, हम चाहते हैं कि अंजना की स्मरण शक्ति उसके प्राणों के साथ कुबेर लोक ना आए, अन्यथा पुंजक स्थला सदैव विचलित रहेगी। ऐसा ही होगा कुबेर देव।
नारायण नारायण। मुनिवर आप यहाँ इस समय? यक्षराज कुबेर आप यहाँ अंजना के प्राण लेने की बात कर रहे हैं और वहाँ महाबली बाली केसरी के महल के बाहर खड़ा है। बाली ने ये प्रण किया है कि उसके रहते अंजना का कोई भी प्राण नहीं ले सकता। ऐसा करने वाले को पहले बाली का सामना करना होगा। वो देखिए, तो अनर्थ हो गया। बाली का सामना तो कोई भी नहीं कर सकता, ना तो ब्रह्मदेव, ना विष्णुदेव, ना महादेव। अब क्या होगा यमदेव? वही होगा कुबेर देव जो होना चाहिए। हमारे यमदूत अवश्य अंजना के प्राणों को हर कर लाएंगे, क्योंकि मृत्यु अटल है और हमारा यमपाश किसी के रोके नहीं रुक सकता। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, स्वयं बाली भी उसे नहीं रोक सकता। महाराज, तुम्हें आज पृथ्वी लोक पर अंजन प्रदेश जाकर वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के प्राण हरने हैं। जो आ गया महाराज।
जा सकती है वहां? सृष्टि के नियम को मैं नहीं बदल सकती मेरे लाल, विधाता के निर्णय को मानना ही पड़ता है।